बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ सी एफ टी और एविडेंसेस इन फेवर ऑफ सी एफ टी के अंदर एक एप्लीकेशन डिस्कस किया था एंड दैट वाज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप ये जो एप्लीकेशन है इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम डिस्कस करें तो सी एफ टी की मदद से जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है हमारा उसकी मदद से ट्रांजिशन मेटल संक्रमण तत्व के जो संकुल हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कलर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वाई डू सम सब्सटेंसेस अपीयर कलर्ड वाइल सम आर कलरलेस। हम लोगों ने देखा है डे टू डे लाइफ में कई कंपाउंड्स हम लोगों ने देखे होंगे कि कुछ मेटल के कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाइट कलर के सॉल्ट होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं, जबकि कुछ मेटल आयन जो होते हैं उनके सॉल्ट जो हैं वो कलर्ड होते हैं। अब इसकी बेसिक साइंस में अगर हम जाएं तो अगर हम देखें तो बेसिकली क्या कंडीशन होती है, अगर हमारे पास में कोई भी पदार्थ है कोई भी सब्सटेंस है वो अगर विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं करता है, तब जो हमारा दृश्य क्षेत्र है उसके अंदर कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड है वो कलरलेस होता है, वो सफ़ेद रंग का कंपाउंड होता है, वाइट कंपाउंड होता है। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन या तो IR रीजन में हो, इंफ्रारेड रीजन में हो, या UV रीजन के अंदर हो, लेकिन विजिबल रीजन में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं है। अब कोई भी कंपाउंड जब हमको कलर्ड मिलता है वो कलर्ड इस वजह से मिलता है क्योंकि उसका एक स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में बाकी जो लाइट का पोर्शन वो ट्रांसमिट करता है या जो रिफ्लेक्ट करता है उसके बेसिस पे हमको कलर दिखाई देता है। इसी को अगर हम और समझने की कोशिश करें तो तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का। कॉम्प्लीमेंट्री कलर से पहले अगर हम देखें जो हमारा विजिबल रीजन होता है जिसको हम कहते हैं वेबग्योर, यहाँ पे हमको ये डिफरेंट वेवलेंथ्स गिवन है कि किस तरह से हमारे पास में डिफरेंट वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड कलर की डिफरेंट वेवलेंथ रीजन जो है वो हमको मिलती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये व्हील जो हमको दिखाई दे रहा है इसको अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में कंडीशन ये होती है जैसे अगर हमारा कोई कंपाउंड ऑरेंज येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कंपाउंड जब हमको दिखाई देगा तो वो ब्लू वायलेट कलर का दिखाई देगा, और अगर वो ब्लू वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कंपाउंड जब हमको दिखाई देगा वो ऑरेंज येलो कलर का दिखाई देगा। इसी तरह से येलो और वायलेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ऑरेंज और ब्लू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, रेड ऑरेंज और ब्लू ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, रेड और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, वायलेट रेड एंड येलो ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो ये एक सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, ये एक जस्ट ब्रॉड आइडिया है जो दिया गया है, जितना फाइन वेवलेंथ का हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंदर अलग अलग कलर्स हमको मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड है वो किस कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है जो हमको कंपाउंड में दिखाई देता है। अब अगर हमारा कोई भी कंपाउंड जो है एक सर्टेन वेवलेंथ को एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं एक सर्टेन एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। वेवलेंथ और एनर्जी में जो रिलेशन रहता है जो आपस में संबंध रहता है वेवलेंथ और एनर्जी के अंदर वो कंडीशन क्या होती है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। और ये जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स या कोई भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है एक्चुअली वो एनर्जी यूटिलाइज होती है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द स्प्लिटेड एनर्जी लेवल ऑफ द डी ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू सी एफ टी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो क्या कंडीशन होती है कि कंपाउंड जब एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है उसको वो यूटिलाइज करता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हुए हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और इस तरह से जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है उसके आधार पे कितनी उसके बीच में एनर्जी गैप होगी उसके आधार पे जो कॉम्प्लेक्स है उसके कलर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इस कंडीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के बेसिस पे। जैसे अगर हम ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थ्री आयन। ये जो एक्वा सॉल्यूशन है टाइटेनियम थ्री पॉजिटिव आयन का, ये वॉयलेट कलर का होता है। और इसका स्पेक्ट्रम अगर हम रिकॉर्ड करें, जैसा बेटा तुमने अपने प्रैक्टिकल में जो कलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करते हैं, और जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है, हम कहते हैं वो लैम्डा मैक्स होता है। वो जो लैम्डा मैक्स है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग जो स्पेक्ट्रम है उसकी मदद से ये निकाल सकते हैं कि किस वेवलेंथ या वेव नंबर पे कंपाउंड जो है स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थ्री पॉजिटिव आयन जो है एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब बेसिकली हमको वैल्यू गिवन है वेव नंबर के अंदर, उसको वेव लेंथ में अगर हम कन्वर्ट करें तो वेव लेंथ जो है वो वेव नंबर का रेसिप्रोकल होता है, तो वेव लेंथ आती है हमारे पास में 5,000 एमस्ट्रॉन्ग। अब बेसिकली टाइटेनियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है और उसका कन्फिग्रेशन हो जाता है 4s2 3d2, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम प्रेजेंट है एज ए थ्री पॉजिटिव आयन, मतलब उसका जो विन्यास हो जाएगा, उसका जो कन्फिग्रेशन है वो हो जाएगा 3d1। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसा कि तुम जानते हो जो डी कक्षक होते हैं वो दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमको शो किया गया है ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स जो हैं दो पार्ट में विपाटित हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में, लोअर एनर्जी का टी टू जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी का ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब ये कंपाउंड जब 5,500 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, मतलब 5,000 एमस्ट्रॉन्ग के वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब करता है, तो उस कंडीशन में उसके टी टू जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वह एक्साइट हो जाता है इनटू ई जी लेवल। तो इस तरह से जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब किए कंपाउंड ने, उस वेवलेंथ को उसने कहाँ यूज़ किया, उस एनर्जी को उसने यूज़ किया टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टी टू जी लेवल टू ई जी लेवल। अब इस वजह से यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो आती है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और वो हमको मिलती है येलो ग्रीन रीजन के अंदर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर हमको मिलता है वो वॉयलेट कलर मिलता है। तो इस तरह से कंपाउंड जो है वो वॉयलेट कलर दर्शाता है। इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर हम कंसीडर करें कि इसके फेवर में और क्या क्या एविडेंसेस हैं, ऐसे कौन से प्रायोगिक सत्यापन हैं जो हम कैरी आउट कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लें, तुम लोगों ने अपनी लैब के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनाया था टेट्राअमीन कॉपर टू सल्फेट। उसके लिए सबसे पहले हम कॉपर टू पॉजिटिव आयन का सॉल्ट लेते हैं क्यूप्रिक सल्फेट, और उसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। वो जो एक्वस सोल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल स्काई ब्लू कलर। वो स्काई ब्लू कलर इसलिए दर्शाता है क्योंकि बेसिकली वो रेड रीजन में एब्जॉर्ब करता है, और रेड रीजन की जिस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो स्काई ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम अमोनिया ऐड करते हैं एक्सेस के अंदर, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो डीप ब्लू कलर शो करता है। और ये जो डीप ब्लू कलर हमको, डीप ब्लू वायलेट कलर शो करता है, ये जो डीप ब्लू वायलेट कलर हमको दिखाई देता है वो इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है ऑरेंज येल्लो रीजन में, और ऑरेंज येल्लो रीजन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो डीप ब्लू कलर होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है वो कलर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो वो रेड रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा था, और अब जो हमारा टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बना वो ऑरेंज येल्लो रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है। जो रेड की वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है और ऑरेंज येल्लो की वेवलेंथ कंपेरेटिवली कम होती है। अब उस वजह से कलर चेंज क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, और जब एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड मेटल आयन के साथ में कंबाइन करेगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का गैप जो है वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो जो एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ है उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो कलर वेरिएशन हो रहा है कॉपर के एक्वा सॉल्यूशन में स्काई ब्लू कलर से डीप ब्लू वॉलेट कलर के अंदर, उसको हम एज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ले सकते हैं इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी।
सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो उसको समझने के लिए पहले एक कंडीशन हम लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जितना स्ट्रांग हमारा लीगेंड होता जाएगा, डी ऑर्बिटल के बीच की स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाएगी, और जब स्प्लिटिंग बढ़ेगी उनके बीच का एनर्जी गैप मिलेगा। तो जैसे जैसे वीक लीगेंड को स्ट्रांग लीगेंड से हम रिप्लेस करते जाते हैं, यह एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो घटती चली जाएगी। और जैसे ही वेवलेंथ चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल में ये देखा गया है, जैसे ही लीगेंड को हम चेंज करते हैं मेटल आयन के सराउंडिंग में, जैसे ही हम लीगेंड को चेंज करते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो जाता है। और इस कंडीशन को बड़ी आसानी से हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन लें, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन का अगर हम एल्कलाइन मीडियम में सॉल्यूशन लें, OH नेगेटिव आयन जब एक्सेस में प्रेजेंट होंगे तो उसका कलर ग्रीन होता है, और अगर हम उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन लें वाटर के अंदर तो उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, और जब हम अमोनिया के साथ सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका कलर वायलेट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लीगेंड को चेंज कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन से वाटर, वाटर को चेंज कर रहे हैं हम अमोनिया से, तो क्या कंडीशन हो रही है, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में वाटर ज्यादा स्ट्रांग लीगेंड है, वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया ज्यादा स्ट्रांग लीगेंड है, तो जो डी ऑर्बिटल है उनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा उसके साथ में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वो कम होती चली जाएगी, और इस वजह से कॉम्प्लेक्स में कलर चेंजेस हमको मिलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो जेम स्टोन्स होते हैं उनके अंदर भी कलर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली जो जेम स्टोन्स होते हैं वहाँ पे मेटल आयन अपने ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर या ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, और ऑक्साइड एक किस तरह का लीगेंड है, एक वीक लीगेंड है, और उसके प्रेजेंस में जब अलग अलग मेटल आयन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अलग अलग मेटल आयन में स्प्लिटिंग अलग अलग होगी, इसलिए जेम स्टोन के अंदर अलग अलग कलर हमको दिखाई देते हैं। CFT का एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है कि इसके आधार पे स्पाइनल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पाइनल जो होते हैं वो एक तरह के मिक्स ऑक्साइड होते हैं, जिनका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है Ab2O4। यहाँ पे ए जो है वो एक डाइवेलेंट कैटायन है, मतलब एक ऐसा धनायन है जिसपे आवेश कितना है, 2 पॉजिटिव है, जबकि बी एक ट्राइवेलेंट कैटायन है, मतलब एक ऐसा हमारा धनायन है जिसपे चार्ज है 3 पॉजिटिव। अब स्पाइनल के अंदर ए और बी जो है वो सेम मेटल के आयन भी हो सकते हैं, मतलब सेम मेटल का आयन लेकिन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या अलग अलग मेटल के या आयन भी हो सकते हैं। स्पाइनल के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से एक कॉमन एग्जाम्पल है जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, Fe3O4। Fe3O4 में एक आयरन 2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है, जबकि बाकी दो आयरन 3 पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा इसी तरह का ऑक्साइड बनता है Mn3O4। एक जनरल फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, M2 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव O4। पहले जो दो एग्जाम्पल लिए थे वहां पे हमारे दोनों जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें मेटल आयन सेम थे, लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे M2 पॉजिटिव आयन जो है वो मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है या जिंक हो सकता है, लेकिन ट्राई पॉजिटिव आयन जो है वो एल्यूमिनियम है। मतलब ये एक तरह का मिक्स ऑक्साइड है जहां पे अलग अलग मेटल आयन प्रेजेंट है। अब ये जो स्पाइनल्स होते हैं, इन स्पाइनल के अंदर हमारा जो ऑक्साइड आयन है वो FCC या CCP यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर तुमने अपनी 12th क्लास में पढ़े थे सॉलिड स्टेट में। और M2 पॉजिटिव आयन और 3 पॉजिटिव आयन जो है वो ऑक्साइड आयन के जो वॉइड्स हैं उनके बीच में जो गैप है उनमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम दर्शाया गया है इसके अंदर ऑक्साइड आयन का FCC अरेंजमेंट दर्शाया गया है। यहाँ पे तुम देखोगे अगर बड़े क्यूब को हम देखें तो ऑक्साइड आयन जो है वो क्यूब के सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ में वो जो बड़ा क्यूब है उसके हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। जब भी हमारे पास में FCC अरेंजमेंट होता है तो वहां पे
दो तरह के वॉइड एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि ये बिंदु दर्शा रहा है, जो नया बिंदु यहाँ पे आया है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और उसके सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे 6 ऑक्साइड आयन है जो सबसे कम डिस्टेंस में प्रेजेंट है, जो कि फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। और इसी तरह के ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे हर एज के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। अगर तुमको ध्यान हो, 12th क्लास में तुमने कैलकुलेशन किए थे यूनिट सेल के, एफसीसी के अंदर टोटल ऑक्साइड आयन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास में 4 ऑक्साइड आयन होते हैं, और सेंटर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन अगर ले तो वो 1 होगा, और एच सेंटर का अगर हम कंट्रीब्यूशन लें, क्योंकि वो 4 यूनिट सेल में शेयर होते हैं, तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 और टोटल 12 वेजेस होती है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 3 आ जाएगा। मतलब अगर हमारा एफसीसी अरेंजमेंट है तो वहां पे अगर 4 एनायन है तो उसके बीच में 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो छोटे क्यूब दर्शाए गए हैं उनके सेंटर में हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो टोटल 8 हमारे पास में इस तरह के छोटे क्यूब्स हैं, और हर क्यूब के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित होगा। मतलब टोटल इस यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित है। तो कुल मिला के अगर ऑक्साइड आयन एफसीसी यूनिट सेल बना रहे हैं, एक इकाई जालक बना रहे हैं, तो उसके अंदर टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और 8 हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। अब जो हमारे स्पाइनल्स होते हैं वो दो तरह के स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर या सिंपल स्पाइनल स्ट्रक्चर, और दूसरा जिसपे इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। जो हमारा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास में, जो A2 पॉजिटिव आयन है इट विल बी ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है उनमें से एक वॉइड में A2 पॉजिटिव आयन उपस्थित रहेगा, जबकि जो ट्राई पॉजिटिव आयन है वो सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 2 ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं तो 2 ट्राई पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे। नॉर्मल स्पाइनल के एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं, Mn3O4 एक नॉर्मल स्पाइनल होता है। इसी तरह से जो मिक्स ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने लिया था वो भी एक नॉर्मल स्पाइनल होता है। अब अगर हम इनवर्स स्पाइनल लेते हैं तो इनवर्स स्पाइनल के अंदर जो हमारा A2 पॉजिटिव आयन है वो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, जबकि ट्राई पॉजिटिव आयन जो है B3 पॉजिटिव आयन जो है उनमें से एक ऑक्टाहेड्रल में और एक टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो है Fe3O4, CuFe3 होल ट्वाइस O4, मैग्नीशियम Fe3 पॉजिटिव टू होल ट्वाइस O4। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास में इनवर्स स्पाइनल के। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों में अंतर देखें तो अंतर क्या है हमारे पास में, जो बेसिकली अंतर आ रहा है कि नॉर्मल स्पाइनल में A2 पॉजिटिव आयन जो है वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में है, जबकि इनवर्स में वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। B3 पॉजिटिव आयन नॉर्मल स्पाइनल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, जबकि इनवर्स स्पाइनल के अंदर आधे B3 पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल में और आधे टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है। अब ये कंडीशन हमको क्यों मिलती है, इसको हम CFT के आधार पे और उसकी CFSC वैल्यू के आधार पे समझा सकते हैं। ऑक्साइड आयन एक वीक लीगेंड है, और जो आयन हमारे पास में यहाँ पे उपस्थित हैं, इन आयन के अगर हम विन्यास लें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर, तो सबसे ऊपर हमको डिफरेंट आयन दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर हमको Mn3O4 में मिला था तो Mg2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव आयन हमने लिया है, और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर हमको मिला था Fe3O4 में, इसलिए हमने Fe2 पॉजिटिव आयन और Fe3 पॉजिटिव आयन का एग्जाम्पल लिया है। ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में इनके विन्यास इनके नीचे दर्शाए गए हैं, और उसके बाद में हमने CFSC वैल्यू की गणना की है हर आयन के लिए। अगर यही आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित होते हैं तो उनका विन्यास उस CFSC वैल्यू के नीचे दर्शाया गया है, थर्ड रो के अंदर, और उसके बाद में फोर्थ रो के अंदर उनके CFSC का मान दर्शाया गया है। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ये जो CFSC का मान है हमारे पास में, इसको अगर हम ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करें डेल्टा ओ में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था,
कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सीएफएस की वैल्यू होती है उसके अपेक्षा टेट्राहेड्रल वॉइड में वैल्यू लगभग आधी होती है। जो रिलेशन होता है वो होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 और डेल्टा ओ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर वैल्यू डेल्टा ओ के फॉर्म में हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में दे रखी है। अब एमएन जो हमारा थ्री पॉजिटिव आयन है उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जब सीएफएस की वैल्यू हम निकालते हैं तो आती है 0.6 -0.6, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड में उसकी वैल्यू आती है -0.8। जबकि Mn2 पॉजिटिव आयन चाहे टेट्राहेड्रल में हो चाहे ऑक्टाहेड्रल में हो सीएफएस की वैल्यू आती है 0। तो मैग्नीज का जो स्पाइनल है उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिफाइन करती है कि Mn3 पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज होता है कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इसलिए सारे के सारे Mn3 पॉजिटिव आयन वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाते हैं और इसलिए उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से आयरन में अगर हम देखें, Fe3 पॉजिटिव आयन जो है उसकी सीएफएससी वैल्यू चाहे वो ऑक्टाहेड्रल में हो या टेट्राहेड्रल में हो वो शून्य रहती है, जीरो रहती है। लेकिन Fe2 पॉजिटिव आयन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उसकी सीएफएससी वैल्यू -0.4 डेल्टा ओ, जबकि टेट्राहेड्रल में -0.27 डेल्टा ओ रहती है। मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में, और इसलिए आयरन के अंदर जो मिक्स ऑक्साइड स्पाइनल ऑक्साइड हमारा मिलता है उसमें Fe2 पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड को एक्वायर करता है, उसमें उपस्थित होता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर इनवर्स स्पाइनल जैसा हो जाता है। तो इस तरह से CFT की मदद से स्पाइनल के स्ट्रक्चर को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।